हेलो गाइस एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल अगेन। हमारी जो ट्यूटोरियल सीरीज है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, उसके कुछ ही वीडियोस बचे हुए हैं। और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा वो सारी चीजें जो तुम्हारे एडिट जब ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है तो तुम कुछ इफेक्ट लगा सकते हो अपने एडिट पे जस्ट टू मेक देम पॉप, और ऐसे कुछ कॉमन इफेक्ट जो कि बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, दे आर वेरी जनरल, सो यू हैव देम इन योर आर्सेनल। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट इफेक्ट जो हम देखने वाले हैं वो ग्लो। तो मैंने एक एडजस्टमेंट ली हुई है, इसके ऊपर मैं लगा सर्च करूंगा मैं ग्लो, और जो बीसीसी का जो बीसीसी पैक के अंदर हमारे पास आता है बीसीसी ग्लो ओबीएस, वो मैं इसमें लगा दूंगा। इसमें जो जिस चीज को तुम्हें एनिमेट करना है वो है इसकी ग्लो की इंटेंसिटी। तो सबसे पहले मैं इसको जीरो रख लूंगा, और यहाँ पर जो हमारा सेंटर पॉइंट है जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है इसको मैं यहाँ पर वन कर देता हूँ। ये डिपेंड करता है, अगर तुम्हारे सीन में थोड़ा डार्कनेस है तो तुम उसकी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो, बट मेरे लिए वन काफी रहेगा आई थिंक। और एंड में आके उसको मैं फिर से जीरो कर दूंगा। नाउ जो चीजें तुम्हें चेंज करनी है वो है ग्लो का थ्रेशोल्ड और रेडियस। ये सीन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर सीन तुम्हारा ज्यादा ब्राइट है तो तुम थ्रेशोल्ड को थोड़ा बढ़ा सकते हो, अगर थोड़ा डार्क है तो तुम इसको कम कर सकते हो। ये सीन टू सीन डिपेंड करेगा, मैं इसकी वैल्यू 30 कर रहा हूँ। एंड रेडियस को भी तुम चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली, तुम इनके साथ यू नो यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट द गुड वैल्यूज, जस्ट हैव टू इजी इज योर ग्राफ। और एक चीज जो मैं यूजुअली करता हूँ वो ये है, यू सी दिस ग्राफ, अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसा यू कर दूंगा लाइक दिस वन, देन इट विल ड्रॉप सडनली, जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, मुझे वो थोड़ा स्मूथ अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई मैं इसको इस तरह से एक फ्रेम पीछे ले जाके ऐसा कर देता हूँ, सो दैट देयर इज जस्ट बिट ऑफ स्मूथनेस इन द ड्रॉप हियर, और इसको मैं ऐसा इंक्रीज कर दूंगा लाइक दिस। सो हियर आई हैव मेड द ग्लो एंड लेट्स हैव अ प्रीव्यू नाउ। ओके, सो दिस इज इनफ, शायद थोड़ा जो ग्लू है वो थोड़ा ज्यादा हो गया, बट यू कैन यू नो एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू यू। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट इफेक्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो ग्लू के साथ में यूज किया जाता है, वो है ब्लर। तो डायरेक्टली सर्च करो ब्लर, एंड द मोस्ट यूज्ड वन इज ऑब्वियसली बीसीसी का जो है हमारे पास लेंस ब्लर। सो आई विल सर्च एंड यू हैव दिस बीसीसी लेंस ब्लर ओबीएस, जिसमें तुम गामा वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो। आई यूजली कीप इट टू 800, और यू कैन सी अभी ये जो क्लिप है थोड़ी ब्लर है, तो हमको इसको आयरिस स्केल को एनिमेट करना। आई विल जस्ट मेक इट 0, और यहाँ पर आकर तुम इसकी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो। लेट्स मेक इट अराउंड 10 और समथिंग, एंड इज नॉट इनफ लाइक मेक इट 30, ऐसी कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं, यू नो आई यूजुअली प्ले विद इट जब तक मुझे कोई डेफिनेट अच्छा रिजल्ट नहीं मिल जाता। तो या दैट्स इट, एंड जाके आयरिस स्केल को तुम एनिमेट कर लो और इजीज कर लो, और इसके ग्राफ को जिस तरह से हमने पिछला बनाया था जस्ट लाइक दैट आई विल मेक इट सो दैट देयर इज अ बिट ऑफ स्मूथनेस देयर। नाउ आई एम जस्ट गोना हैव अ प्रीव्यू, अभी मैं ग्लो के साथ में इसको प्रीव्यू करवा देता हूं एक बार। ओके, सो ये एडजस्टमेंट लेयर पे हमने ऐड किया है। नाउ यू कैन जस्ट डुप्लीकेट दिस एडजस्टमेंट लेयर, और तुम इसको बाकी जो हमारे ट्रांजिशन है जहां तुम्हें जरूरत है वहां पे तुम इसको लगा सकते हो। ओके, सो आई हैव दिस सीन हियर, एंड मैं इसको प्ले करता हूं एक बार। यू कैन सी बेसिकली यहाँ पर एक इम्पैक्ट है, और यहाँ पर मैं ऐड करूंगा घोस्ट इफेक्ट। मैं इस प्रीकॉम के अंदर जाता हूँ, एंड आई हैव दिस सोर्स लेयर जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे हमने ट्विस्ट लगा रखा है, तो इसको यहीं से मैं डुप्लीकेट करके स्प्लिट कर लूंगा सो दैट आई हैव दिस सेपरेट लेयर। इसको यूज करके हम वो घोस्ट इफेक्ट क्रिएट करेंगे। सिंपली तुम्हें क्या करना है, स्केल को क्लिक करना है और ओपेसिटी के लिए टी क्लिक करना है, और दोनों को एनिमेट कर लेना है। एंड में जाएंगे हम, और यहाँ पर जो स्केल है इसको तुम 150 या 200 तुम्हारी अकॉर्डिंग कर सकते हो, इट्स नॉट समथिंग स्पेसिफिक, बट यू हैव टू प्ले विद इट। दोनों को हमको इजी यूज कर लेना है, के ऊपर जाना है तुम्हें, एंड यू हैव टू मेक इट लाइक दिस ताकि स्टार्ट में बिल्कुल वो ज्यादा हो और एंड में आते आते थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। एंड ओपेसिटी है, इसको भी वैसे ही करना है, बट ओपेसिटी का ये ध्यान रखना कि ओपेसिटी बहुत जल्दी कम होती है, तो यू कैन मेक इट अ बिट ऑफ लीनियर, उतना जल्दी उसको कम मत करना, ये बात ध्यान रखना। एंड लेट्स हैव अ प्रीव्यू। ओके, दिस इज ओके, बट देर इज वन प्रॉब्लम कि ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सेंटर से आ रहा है, तो अगर उसको मिचुआ के ऊपर फोकस करना है तो व्हाट यू कैन डू, पैन बिहाइंड टूल पे तुम क्लिक करो, और यहाँ से ये जो एंकर पॉइंट है इसको तुम्हारा जिस कैरेक्टर पे तुमको बेसिक फोकस करना है उसके ऊपर फोकस कर दो। तो मैं इसको यहाँ मिचुआ पे रख रहा हूँ सो दैट जो इफेक्ट है वो मिचुआ के फेस से एकदम स्टार्ट होता हुआ है, यू कैन सी दैट। एंड लेट्स हैव अ प्रीव्यू नाउ। तो जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो घोस्ट इफेक्ट का ही इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमने घोस्ट इफेक्ट ये बनाया है इसी के ऊपर तुम्हें ऐड करना है एज एज डिटेक्ट, ये ऐड कर दो और तुम्हारा जो सीन है वो बहुत ज्यादा वियर्ड लगेगा। मैं इस थोड़े से टाइम के लिए फुल पे कर रहा हूँ बिकॉज द रिजल्ट्स आर डिफरेंट ऑन क्वार्टर एंड फुल। एंड यहाँ पर थ्रेशोल्ड को तुम बढ़ा दो सो दैट यू हैव द यू नो मेजर लाइंस ओनली विजिबल, स्मूथनेस को कम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं इसको 0.5 कर लेता हूँ, दैट इज लुकिंग गुड इनफ। एंड इसके बाद में तुम्हें क्या करना है, इसको ऐड कर देना है और इसके ऊपर इफेक्ट ऐड कर देना है डीप ग्लो। ओके, जो हम यूजुअली ऐड करते हैं। नाउ यू कैन प्ले विद द एक्सपोजर एंड थ्रेशोल्ड और इनपुट वगैरह, इसके वैल्यूज के साथ तुम यू नो यू कैन चेंज एंड हैव डिफरेंट प्रीव्यूज। मैं इसको कलर कर देता हूँ, एक्चुअली बिट ऑफ पर्पल विल लुक गुड, या दैट लुक्स गुड।
क्वार्टर पे वो उतना विजिबल नहीं है, बट इफ मैं काम करता हूँ इसको फुल पे प्रीव्यू करता हूँ एंड देन आई विल शो यू। मैंने जो प्रीव्यू है उसको कैश कर लिया, लेट्स हैव अ प्रीव्यू एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट इफेक्ट। तो जो नेक्स्ट थिंग तुम कर सकते हो वो है सडनली किसी क्लिप को ब्लैक एंड व्हाइट कर देना। तो यू विल सी कि हमारे पास ये सीन है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इस क्लिप के ऊपर मैं ऐड करूंगा। देयर आर लॉट ऑफ इफेक्ट्स एक्चुअली। तुम ग्रे स्केल देखोगे, तुम्हारे पास ग्रे स्केल प्रीसेट है, देयर इज ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट, देन यू हैव यू सेट ब्राइटनेस, तो मैं एस यू सेट ब्राइटनेस ऐड करूंगा एंड देन आई एम गोइंग टू क्रिएट अ की फ्रेम जो इम्पैक्ट पॉइंट है यहाँ पर सेचुरेशन में, और आई विल गो इन द बिगिनिंग प्लस यू और एक और की फ्रेम यहाँ पर, और यहाँ पर जस्ट एक फ्रेम पहले मैं सेचुरेशन को जीरो कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सेचुरेशन था वो ओवर टाइम ऐसे कम हो रहा है, देन सडनली वो ज्यादा हो जाएगा जहाँ पे हमने वो इंपैक्ट डाला हुआ है। और इसको मैं यूजुअली एनिमेट कर लूंगा, बस आई विल मेक श्योर कि हमको थोड़ा सा कलर स्टार्टिंग में दिखे एटलीस्ट कंपेयर करने के लिए। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगर मैं प्रीव्यू करूँ तो तुम देखोगे ओके इसी के साथ में ये थोड़ा येलोइश टिंट दे रही है एक्चुअली, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रिड्यूस द ब्राइटनेस एज वेल, आई एम जस्ट गोना रिव्यू इट। So you see there are, you know, desaturation, then there is suddenly color. So this is what I mean. तो अगला चीज जो हम ऐड करेंगे वो है बार्स। तो वी हैव दिस सॉलिड लेयर एंड बार्स ऐड करने के मैं पहले क्या करता था, दिस इज ओल्ड वे, तो आई यूज्ड टू ऐड मास्क देन उसको सबट्रैक्ट पे करके, यू हैव दिस एक्सपेंशन टूल एंड यू कैन सिंपली जस्ट एनिमेट इट जिससे तुम्हारे बार्स बन जाएंगे। बट व्हाट आई डू नाउ इज दिस सीसी जॉज इफेक्ट एंड इसका मैं कंप्लीशन बढ़ाऊंगा, तो यू विल सी वी हैव दिस स्पाइक्स हियर, विल चेंज इट टू ब्लॉक्स और इसकी हाइट को हम जीरो कर लेंगे। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, तो वी हैव दिस सीन राइट, अभी इसके कंप्लीशन को अपन 100 कर लेते हैं। यहाँ पर मिडिल में किया मैंने 100 एंड आई हैव एनिमेटेड इट, यहाँ पर अगली लेयर के मिडिल में आऊंगा मैं और यहाँ पर आई विल इंक्रीज इट्स साइज लाइक दिस, इतना मेरे को आई थिंक इतना काफी रहेगा, 70 कर लेते हैं फिक्स। देन अगला जो ये इम्पैक्ट वाला सीन आएगा दिस वन, यहाँ पर मैं इसके वैल्यू को यू एंड आई विल मेक दिस गो उसके ओरिजिनल लोकेशन पे अगेन एंड देन इसको मैं कर लेता हूँ, इसका ग्राफ इजी इस करके मैं इसका ग्राफ जो है उसको एडजस्ट कर रहा हूँ लाइक दिस, एंड जस्ट ये श्योर कर लेना कि तुम ज्यादा इसको वो नहीं कर रहे हो, स्टिफ नहीं बना रहे हो, क्योंकि बार्स थोड़ी मूव होती हुई अच्छी लगेंगी, ऐसा मत कर देना एकदम एक मूवमेंट में बिल्कुल हिल ही नहीं रही, अगले में बिल्कुल मूवमेंट होगी, कीप द मूवमेंट कॉन्स्टेंट, इसलिए मैं जो ग्राफ की लाइन है इनको ऐसा स्ट्रेट न रखते हुए ऐसा रख रहा हूँ, तो दैट देयर इज अ मूवमेंट लाइक दिस। नाउ इफ आई विल प्रीव्यू इट फ्रॉम हियर यू विल सी ओके, तो वी हैव एडेड सम कूल सिंपल बार्स, आई एम जस्ट गोना डुप्लीकेट इन एंड मैंने क्या किया इसको डुप्लीकेट कर दिया है ऊपर वाले लेयर के ऊपर, मैं इसका एंगल चेंज कर लूंगा 90 डिग्री। द रीजन इज जैसे ये ऐसा नीचे होगा ना ये ट्रांजिशन, तो ये साइड में से बार्स आए एंड जब ये ऊपर वाली बार नीचे वाली बार मिलेगी तो वी विल गेट दिस स्क्वायर लुक। For moving ahead, make sure that you subscribe to the channel so that you can watch these kind of content regularly, you don't miss it, and like this video and you can also comment if you have any doubts or suggestion. With that said, let's move ahead. This is the next series हम देखेंगे वो है turbulent displacement, तो मैंने adjustment layer ली हुई है इसके ऊपर मैं ऐड करूंगा turb और turbulent displacement। Now इसमें हमें करना क्या है, basically amount को ज्यादा से कम करना है और जो size है उसको कम से ज्यादा करना है, basically इतना ध्यान में रखो, value मैं नहीं बताऊंगा because that's not how the tutorials work, okay? You can experiment and you can find the values that suits you. मैं इसको 80 कर रहा हूँ and I'm just gonna reduce the value to around 15 or something. Then animate होगा और end में आते आते we will just reduce the amount to zero. Then change the size to something higher. So let's make it 100 or something. इसको भी वैसे ही animate करना है. What I like to do is मैं इसको start में जैसे यहाँ पे you can usually adjustment layer को तुम यहाँ crop कर सकते हो तो उसका effect start नहीं दिखेगा पिछले clip पर, but मैं दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ जीरो कर दूंगा एंड देन इजी इस कर लेंगे की फ्रेम्स को एंड उसी तरह से जिस तरह से हम यूजुअली ग्राफ बनाते हैं जस्ट मेक इट लाइक दैट। इसमें ये चीज याद रखना तुम्हें ग्राफ को कई बार एडजस्ट करना पड़ सकता है सो दैट तुम्हारी क्लिप के जो कैरेक्टर्स वगैरह का फेस वगैरह है वो और जो क्लिप जो है वो थोड़ी सी ठीक ठाक लगे, उतनी ज्यादा वियर्ड ना लगे। इसके साथ में तुम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज कर सकते हो, इट विल जस्ट मेक इट अ बिट मोर डिटेल्ड, और रिवोल्यूशन को तुम एनिमेट कर सकते हो ओवर टाइम, सो इट विल गिव यू यू नो सॉर्ट ऑफ रैंडमाइजेशन देगा, एकदम सिंपल सा वो मूव करता हुआ देखेगा, थोड़ा एनिमेटेड रहेगा। लेट्स हैव अ प्रीव्यू, लेट्स सी। ओके दैट लुक्स गुड, तो मैं जस्ट एडजस्ट कर रहा हूँ चीजों को हियर एंड देयर।
सो जो नेक्स्ट इफेक्ट इफेक्ट है एक्चुअली दो इफेक्ट है, तो मैंने टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट वही वाला जो लेयर थी उसी को मैंने डुप्लीकेट किया हुआ है एंड आई हैव दिस एडजस्टमेंट लेयर। इसके ऊपर तुम दो इफेक्ट लगा सकते हो। तो फर्स्ट वन इज अगर तुम RGB सर्च करो यू हैव दिस एस टाइम वार्प RGB जस्ट एड इट और स्टार्ट में जैसे ये 1-1 है यू कैन एनिमेट इट ये ब्लू और रेड पे। तुम दूसरे चैनल पे भी स्विच कर सकते हो, यू कैन मेक ग्रीन एनी वैल्यूज, तुम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आई एम जस्ट सेलिंग दिस क्योंकि मैं इसको यूज करता नहीं हूं। ओके और एंड में आते आते विल जस्ट मेक इट ग्रो लाइक 0 सो दैट इट विल बिकम ऑल नॉर्मल अगेन। और तुम अगर इसको प्रीव्यू करके देखोगे सो लेट्स हैव अ प्रीव्यू एंड यू विल सी दीज रेड ग्रीन ब्लू चैनल जो है उसके स्प्लिट हो गए। यू कैन यूज ईदर दिस, इसको मैं बिल्कुल बता नहीं रहा हूँ कि यू कैन यूज इट, या फिर द अदर वन दैट आई पर्सनली लाइक टू यूज इज एस वार्प क्रोमा। तो इट ऑलमोस्ट डन द सेम थिंग बट इन अ डिफरेंट वे। तो मैं क्या करूंगा इसके जो जी डिस्टेंस है इसको 0.9 या 0.8 कर लेंगे। तो इसको मैं 0.8 कर रहा हूँ सो दैट इट इज क्लोजर टू द कैमरा। एट द एंड इसको फिर से हमको 1 कर लेना सो दैट जो इफेक्ट है पूरा फेड हो जाए एंड जो इसको सिंपली जैसा हम यूजुअली एनिमेट करते यू कैन एनिमेट सो इट विल गिव इट अ वेरी सटल इफेक्ट। ओके सो देयर इज वेरी सटल रेड ग्रीन ब्लू स्विच हियर बट यू नो इट जस्ट गिव्स अ गुड लुक टू योर एडिट। तुम ऑब्वियसली इसको और ज्यादा इंटेंस बना सकते हो इफ यू इंक्रीज द वार्प अमाउंट सो दैट इट विल बी मोर विजिबल। तो एक और चीज है जो कि सिंपल सा फेड एंड ओपेसिटी वाला ट्रांजिशन तो मैं बता देता हूँ ट्राइंग टू कवर एज मच एज आई कैन इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। सो यू कैन सी ये हमारी क्लिप है एंड यहाँ पर ये सडनली ये स्विच है और इसके साथ ही साथ मैंने अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो मैंने यहाँ ट्विच लगा रखा है जिसका अमाउंट बहुत कम है। यू कैन सी यूजुअली मैं 100 रखता हूँ, यहाँ पर वो ओनली 10 ही है। तो इसको तो अभी डिसेबल कर देते हैं ना। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज मेक अ लिटिल सिंपल ट्रांजिशन। तो ये वाली जो नीचे वाली क्लिप है यू विल सी ये बहुत एंड किए हुए मैंने। सबसे पहले इसका ओपेसिटी को तुमको कम करना है तो जस्ट एनिमेटेड ओपेसिटी यहाँ पे 100 है और एंड होते होते वो 0 हो जाएगी ऑब्वियसली एंड जस्ट मेक इट लाइक दैट। और इसके साथ में इसको तुम थोड़ा ऐसा कर लो यू नो सो दैट इट फेड्स अवे अ लिटिल फास्टर। देन जो नेक्स्ट वाली क्लिप है इसको तुम्हें करना है क्या तुमको स्केल को और रोटेशन को या फिर दूसरी प्रॉपर्टीज जो भी तुम्हें एनिमेट करनी है डिपेंड करता है एनिमेट करना है। इसको मैं यहाँ लेके आऊंगा देन इंक्रीज द रोटेशन तो मैं ऐसा कर लेते हैं यार ऐसा अच्छा लगेगा आई थिंक राइट ऐसा कर दिया मैंने और स्केल को मैं बढ़ा दूंगा बहुत ज्यादा ठीक है लाइक दिस। देन आई विल जस्ट मेक इट लाइक दिस और जो स्केल वगैरह है इनको मैं शार्प करूंगा बहुत ज्यादा। Now what you have to do is make this इसका जो blending mode है उसको तुमको add पे set कर देना है like this and इसका जो motion blur है उसको कर देगी नहीं। तो yeah and last में twitch को enable कर देते हैं and let's see how it looks। So जो next simple thing है वो है flicker। सी दैट मैंने क्या किया था मैंने फ्रेम रेट को ड्रॉप कर लिया था अराउंड 10 एंड उससे जो ऑडियो है वो बहुत स्लो प्ले हो रहा था एंड आई हैव मार्क्ड ऑल द फ्लिकर ये रेड वाले मार्कर से मैंने यहाँ पर ऑडियो पे मार्क कर दिया एंड उसके अकॉर्डिंग आई हैव डन वन थिंग मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर लिया उस पर टिंट इफेक्ट लगाया दोनों ब्लैक एंड व्हाइट को ब्लैक कर दिया देन जो अमाउंट है उसको सिंपली एनिमेट कर लिया लाइक यहाँ पे विजिबल नहीं है देन इट इज विजिबल हियर देन इट इज नॉट विजिबल हियर देन लाइक दिस सो इट गोज ब्लैक 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 जहाँ पर भी ये पॉइंट्स है ना जो मार्क मैंने किए हुए वहाँ पर वो ब्लैक है। सो आई एम पॉइंटिंग द फ्लिकर एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू ऑडियो एंड इफ आई प्ले इट यू विल सी Zubaniya. Okay, so this is the first type of flicker. Also, अगर तुम्हें sort of you know एक constant तो नहीं but you know थोड़ा सा जैसे beat या transition पे जो flicker होता है you have to create that but तुम नहीं चाहते you know that तुम ये tint वगैरह को ऐसा animate करो so you, what you can easily do is there is this effect called as flicker और let's suppose कि इस point पे हमको जो transition हो रहा है इस पे हमको flicker डालना है तो मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ and I will just crop it here and be तो इसमें भी हमारे शेक के जैसे दो हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है या तो तुम रैंडम रखो मतलब रैंडम भी रख सकते हो एंड यू हैव द वेव एज वेल। तो वेव एम्पलीट्यूड यूजुअली 0 रहता है ये तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा इफ यू वांट टू यूज। अभी अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। नाउ लेट्स सपोज कि अपने को यहाँ पर एक सडनली ऐसा फ्लिकर चाहिए तो मैं रैंडम तो पहले 0 कर दूंगा बिकॉज रैंडम का मुझे काम नहीं है एंड आई विल मेक दिस एम्पलीट्यूड 1 एंड यू विल सी कि वी हैव दिस। अभी कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि वेव एम्पलीट्यूड 0 है। लेट्स मेक इट 1 यू विल सी कि समथिंग इज हैपनिंग नाउ बट या इट इज लाइक उतना नहीं है। तो उसके लिए तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो एंड यू कैन सी 30 FPS अगर ये मेरा कॉम्पोजिशन है तो अगर मैं 15 कर दूंगा दैट मीन्स हर अगली फ्रेम पे फ्लिकर होगा। तो लेट्स मेक इट 10
दैट वुड लुक गुड. लेट्स जस्ट वन मोर थिंग, कि जैसे तुम्हें अगर प्रीव्यू दिखता हुआ तो एक लाइन यहाँ पर वियर्ड सी दिखती होगी, जस्ट इग्नोर दैट, क्योंकि मेरा एक का वो प्रॉब्लम है यू नो प्रीव्यू में. इट समटाइम्स हैपेंस. जुबानी आते ही झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे. So that was it for the tutorial. अगले tutorial में हम बनाएंगे 3D scene, element 3D, particular camera और इन सब चीज़ों का use करके we will create a 3D scene in this particular composition. So make sure that you subscribe to the channel and make sure that you watch that video. Like this video, comment करो अगर तुम्हें कोई doubt है या कोई suggestion है. और if you want to comment any effect or anything that you want to learn, you can also comment that. और मेरा Discord server तुम join कर सकते हो जहाँ पर बहुत सारे editors है. You can ask me if you need any help, you can show your edits, you can review them, and my link should be in the description. Thanks for watching and have a great day ahead.